एंजियोस्पर्म में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है, और हमको पता है कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द ओव्यूल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट डिप्लॉइड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब जब जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है, और जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है दैट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, तो इसको बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आज के वीडियो द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म्स। जाइगोट अंडरगो सेवरल डिविजन्स एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। सो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो। अब जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द माइक्रोपाइलर एंड, एंड एज आई एक्सप्लेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर डिप्लॉइड जाइगोट तैयार हुआ है, इट बिकम थिक वॉल्ड एंड नाउ इट इज कॉल्ड ओस्पोर। ये ओस्पोर के अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन होता है एंड दैट डिवीजन इज अ ट्रांसवर्स, एंड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन दैट ओस्पोर फॉर्म टू सेल प्रो एम्ब्रियो, वन सेल इज लार्ज अनदर वन इज अ स्मॉल। यू कैन सी हियर दिस इज अ एम्ब्रियो सैक एंड दिस वन इज अ माइक्रोपाइलर एंड। ये जो ओस्पोर है इसके अंदर पहली माइटोटिक डिवीजन हुई दैट इज अ ट्रांसवर्स, एंड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन इट फॉर्म टू सेल प्रो एम्ब्रियो टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड लार्जर सेल एंड टुवर्ड द शलाजल एंड स्मॉलर सेल इज देयर। सो लार्जर सेल टुवर्ड द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड बेसल और सस्पेंसर इनिशियल सेल, दिस इज अ लार्जर सेल टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड विच इज कॉल्ड बेसल सेल और सस्पेंसर इनिशियल सेल, एंड स्मॉलर सेल टुवर्ड द शलाजा, दिस इज अ स्मॉलर सेल टुवर्ड द शलाजा इज कॉल्ड टर्मिनल सेल अपाइकल सेल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। यहां से लेकर पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने तक जो भी स्टेजेस है उसको बोला जाता है प्रो एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल है दैट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एंड दिस सस्पेंसर इनिशियल सेल इट डेवलप इनटू सस्पेंसर बाय सेवरल डिविजन्स। अब हम पहले देखेंगे कि जो सस्पेंसर इनिशियल सेल है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर इनिशियल सेल है, उसके अंदर सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होने लगते हैं। द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इन वन प्लेन टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल्स। ये देखो, ये जो सस्पेंसर इनिशियल है इसके अंदर सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और 6 से 10 सेल का एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर तैयार होता है विच इज कॉल्ड सस्पेंसर। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर। नाउ हियर यू मे सी द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड इज स्वोलन। ये जो सेल है जो माइक्रोपाइल के तरफ है वो सेल बड़ी दिख रही है एज कंपेयर टू रिमेनिंग सेल। सो दिस सेल इज स्वोलन एंड इट फंक्शंस एज अ हॉस्टोरियम, एंड लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, दिस इज अ लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर विच इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। सस्पेंसर का काम क्या है,
the suspensor puts the embryo in the endosperm. And we know endosperm is a nourishment tissue. So, it is a nutritive tissue. It provides nourishment. तो ये जो एंडोस्पर्म है एम्ब्रियो को प्रॉपर नरिशमेंट देना चाहिए, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से प्रॉपर नरिशमेंट मिलना चाहिए, इसलिए ये जो सस्पेंसर है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है। जस्ट वी हैव सीन कि जो सस्पेंसर इनिशियल है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुए और सस्पेंसर तैयार हुआ। Now we are going to study what happened to embryonal initial cell. That embryonal initial cell, jo chalazal end ke taraf hai, that undergo three successive divisions. And it is very clear, divisions are mitotic. So embryonal initial undergo three successive mitotic divisions. Two divisions are longitudinal एंड वन डिवीजन इज ट्रांसवर्स। और जब तीन माइटोटिक डिवीजन होती है तो यहां पर एक आठ सेल का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो वो जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल है अब उसके अंदर आठ सेल है बिकॉज ऑफ थ्री माइटोटिक डिवीजन। इसको बोला जाता है ऑक्टेंट ग्रुप ऑफ एट सेल। एंड व्हेन द डिवीजन्स आर देयर सेल्स डिवाइड एट राइट एंगल टू ईच अदर। यहां पर ये सस्पेंसर है ओके इनसाइड द एम्ब्रियो सैक और ये एम्ब्रियोनल इनिशियल है। नाउ हियर इट फॉर्म ऑक्टेंट बाय थ्री माइटोटिक डिवीजन्स। अब ऑक्टेंट में जो आठ सेल होती है उनके दो टायर होते हैं, चार सेल का अपर टायर और चार सेल का लोअर टायर। सो लोअर टायर ऑफ फोर सेल इन द ऑक्टेंट gives rise to hypocotyl and radical. तो ये octant में जो चार सेल का नीचे का ग्रुप होता है वो चार सेल तैयार करती है hypocotyl और radical. Radical मतलब embryo का पार्ट जो बाद में डेवलप होने वाला है रूट में, और hypocotyl मतलब cotyledon के नीचे का पोर्शन जो होता है रेडिकल और कॉटलीडॉन के बीच में। सो दिस लोअर टायर गिव्स राइज टू हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल। तो अपर टायर की चार सेल क्या फॉर्म करती है? सो फोर सेल्स ऑफ अपर टायर ऑफ ऑक्टेंट गिव्स राइज टू प्लूम्यूल एंड वन और टू कॉटलीडॉन्स। तो प्लूम्यूल मतलब ऐसा पार्ट जो बाद में शूट में डेवलप होने वाला है। सो अपर टायर of octant gives rise to plumule which later on develop into shoot and along with plumule it form one or two cotyledons. अब ये depend करता है, अगर embryo monocot का है तो plumule के साथ एक ही cotyledon रहेगा, और अगर embryo dicot है तो plumule के साथ में दो cotyledons रहेंगे। हमको पता है ये जो lower most cell थी suspensor की which is called as hypophysis. So hypophysis also undergo further division and it form a part of radical and root cap. So root cap is a protective covering of a root. So hypophysis jo hai uske bhi divisions hote hai and it form a part of radical. Radical ka kuch part lower tier ki char cell ne form kiya hai. Ab hypophysis ki cell participate in the formation of radical. जो अपर टायर की सेल्स होती है डिवाइड इन सेवरल प्लेन्स। सो इन द ऑक्टेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द अपर टायर डिवाइड इन सेवरल प्लेन एंड फर्स्ट दे फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। क्योंकि जैसे डिवीजन होता है नंबर ऑफ सेल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो इसका जो साइज है शेप है वो बढ़ेगा। तो सेल इंक्रीज होने के कारण ये जो ऑक्टेंट है पहले राउंडेड शेप या ग्लोबुलर शेप फॉर्म करता है, लेकिन जैसे और सेल इंक्रीज होती है इट बिकम हार्ड शेप और कॉर्डेड शेप, इट बिकम हार्ड शेप विच देन फॉर्म टू कॉटलीडॉन्स एंड टर्मिनल प्लूम्यूल। सो रिमेम्बर इन डाइकॉट
cotyledons are present on the lateral side and plumule occupies a terminal position. उसके साथ साथ hypotail और cotyledon भी enlarge होते हैं. And further enlargement of hypocotyl and cotyledon result in a curvature of embryo and it appear horseshoe shape. तो ये जो है ये dicot embryo है, ये monocot embryo नहीं है. तो जैसे यहाँ hypocotyl और cotyledon की भी growth होती है, उनका enlargement होता है, embryo में curvature आता है. And when embryo is fully developed, it appear horseshoe shape. और यहां तुम लोग एक नोटिस कर सकते हो कि जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, सस्पेंसर जो है वह श्रीविल्ड हो रहा है, क्योंकि अब सस्पेंसर का जो काम है कि एम्ब्रियो को पुश करना एंडोस्पर्म में उसके नरिशमेंट के लिए, वो अभी खत्म होते जा रहा है. तो सस्पेंसर देखो यहाँ पर एकदम छोटा दिख रहा है एंड एम्ब्रियो अपियर क्वाइट लार्ज विच शोज अ कर्वेचर एंड अ हॉर्स शू शेप. Now this slide shows us developmental changes in a dicot embryo. तो शुरुआत हुई थी oospore से. इसके अंदर पहली division transverse हुई, formation of basal cell and apical cell, larger basal cell, smaller apical cell, also called basal cell, also called suspensor initial cell, and apical cell also called embryonal initial cell. Then we have studied how development of suspensor is there and how development of embryonal initial cell is there. So formation of a quadrant, then octant, then globular form, then triangular, then heart shape, it become torpedo. जैसे जैसे cell बढ़ती जा रही है, embryo का size बढ़ते जा रहा है, उसका जो shape है वो भी बदलते जा रहा है. और जब finally जब ये embryo पूरी तरह से develop हो जाता है, it shows a curvature, clear cut टू cotyledons आर देयर. और जहां पर हमको दो cotyledons दिख रहे हैं, ये क्लियर है कि दो cotyledon है, मतलब ये डाइकॉट एम्ब्रियो है. एंड इन डाइकॉट एम्ब्रियो प्लूमल ऑलवेज अकुपाइज टर्मिनल पोजिशन एंड cotyledon प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड. और जैसे मैंने कहा था यहाँ पर सस्पेंसर है, वो धीरे धीरे यहां से हमको नहीं दिखेगा क्योंकि उसका फंक्शन ओवर हो रहा है, बिकॉज एम्ब्रियो इज प्रॉपरली डेवलप एंड नाउ इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड. दिस स्लाइड शोज डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो. क्योंकि एंजियोस्पर्म में दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस, डाइकॉटिलिडोनी एंड मोनोकॉटिलिडोनी. तो हमने जो डाइकॉट का एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट अभी पढ़ा है. अब जो डेवलपमेंट होता है मोनोकॉट एम्ब्रियो का, कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं. लेकिन ऑक्टन स्टेज जो है, अप टू द ऑक्टन स्टेज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट इज सेम. मतलब जब तक 8 सेल का एम्ब्रियो तैयार होता है ऑक्टन, तब तक दोनों का भी डेवलपमेंट डाइकॉट और मोनोकॉट का सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है. जो भी डिफरेंस है वो ऑक्टन स्टेज के बाद में शुरू होता है. ओके, तो यहां पर भी देखो oospore दिखाया है, फिर ट्रांसवर्स डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर एंड देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनिशियल अप टू द ऑक्टन. चेंजेस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है बाद में आफ्टर ऑक्टन. पहला डिफरेंस तो यह है कि इफ मोनोकॉट एम्ब्रियो इज देयर, इट शोज ओनली वन cotyledon. ओके, इन डाइकॉट टू cotyledons एंड इन मोनोकॉट देयर इज ओनली वन cotyledon. एंड मेन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, इन मोनोकॉट cotyledon ऑक्युपाइज टर्मिनल पोजिशन. ये जो cotyledon होता है, यू मे सी हियर, इट ऑक्युपाइज टर्मिनल पोजिशन. जस्ट वी हैव स्टडीड इन डाइकॉट cotyledons are present in a lateral position and plumule present at the terminal position. यहां पर चेंज है कि मोनोकॉट में cotyledons जो है वो टर्मिनल पोजिशन पे है और plumule जो है वो lateral पोजिशन पे है, और cotyledon एक ही है. तो cotyledon at terminal position and plumule at lateral position. अब यहां पर जो cotyledon होता है वो थोड़ा thin होता है एंड इट इज शील्ड शेप.
एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्कुटेलम। तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो में जो कॉटिडॉन होता है दैट इज सिंगल थीन एंड शील शेप एंड दैट कॉटिडॉन इज नेम बाय स्पेशल टर्म दैट इज स्कुटेलम। अब एम्ब्रियो है तो प्लूमल और रेडिकल तो रहेंगे ही, ओके। सो इन दिस एम्ब्रियो, इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, प्लूमल इज प्रोटेक्टेड बाय अ शीथ व्हिच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय अ शीथ व्हिच इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। सो इन मोनोकॉट एम्ब्रियो स्कुटेलम इज अ शील्ड शेप कॉटलिडॉन, कोलियोप्टाइल इज अ प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लूमल एंड कोलियोराइजा इज अ प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रेडिकल। सो डिफरेंस अपियर आफ्टर ऑब्टेंड इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड डिफरेंसेस आर वेरी क्लियर। सो इन दिस वे इन एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज देयर। सो हियर दिस इज अ फ्लावर, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवम, और जो भी हमने अभी पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहां पर ओव्यूल के अंदर हुआ था, दैट मीन्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो जायगोट से लेकर पूरा एम्ब्रियो डेवलप होने तक हमने सारी स्टेजेस अभी पढ़ ली है, और यहां पर भी जो हमको एम्ब्रियो दिख रहा है वो डाइकॉट एम्ब्रियो है, क्योंकि यहां पर हमको यहां दो कॉटलीडॉन्स इसके क्लियर कट दिख रहे हैं। तो ये जो एम्ब्रियो है वो अब सीड के अंदर रहेगा एंड आफ्टर दैट ओव्यूल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड। ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा और ओव्यूल के बाहर से जो ओवरी है, बिकॉज ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड।